ट्रेनों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश हरपाल सैनी वर्ष 2006 में नाटकीय अंदाज में पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। हरपाल सिंह और राकेश शर्मा के खिलाफ अमरोहा जनपद के सैद नगली थाने में NSA की कार्रवाई हुई थी। मुरादाबाद जिला कारागार से बंद दोनों आरोपियों को सितंबर 2006 में अमरोहा पुलिस लाइन के 4 सिपाही लखनऊ एडवाइजरी बोर्ड में पेशी के लिए लखनऊ ले गए थे। वापसी के दौरान दोनों बदमाश रात को 2:30 बजे ट्रेन से कूदकर हथकड़ी सहित फरार हो गए और काफी तलाश के बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। आरोपियों के भागने के बाद दर्ज हुए मुकदमे में कार्रवाई करते हुए ड्यूटी में तैनात अमरोहा जनपद के 4 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था। फरार राकेश शर्मा को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन हरपाल सैनी पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने हरपाल सैनी के घर पर दबिश दी, लेकिन कोई रिश्तेदार और जान पहचान न होने के चलते उसका कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। इस दौरान हरपाल अपना नाम बदलकर हरि मंडल पुत्र श्री मोहन मंडल रखकर बिहार में ही शादी कर ली और अपनी पहचान दस्तावेज पर बना लिए थे। हरपाल की तलाश में जुटी पुलिस को जब कामयाबी नहीं मिली तो उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। GRP को मुखबिर की जरिए मालूम हुआ कि हरपाल की शादी बिहार में रहने वाली एक युवती से हुई है। पुलिस से बचने के लिए हरपाल दिल्ली NCR में रहता था और अपनी पत्नी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर उसी अकाउंट से अपने खर्चे के लिए पैसा निकलवाता था। पुलिस ने हरपाल की पत्नी के बैंक अकाउंट की जाँच कराई तो हरपाल की पहचान उजागर हो गई। काफी दिनों से हरपाल पर नजर रखी जा रही थी। GRP ने आज हरपाल को अमरोहा स्टेशन से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह अमरोहा रेलवे स्टेशन से कटिहार जाने की तैयारी कर रहा था। पत्नी के बैंक अकाउंट के जरिए पकड़ में आए हरपाल के मुताबिक वह पिछले 12 सालों से कई राज्यों में रहकर पुलिस को चकमा दे रहा था। और CEO GRP संतोष कुमार सिंह का कहना है कि हरपाल पर एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे मुरादाबाद मंडल में दर्ज हैं, जबकि अन्य राज्यों में उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों की जानकारी जुटाई जा रही है। हरपाल सिंह और राकेश कुमार वापस देहरादून ट्रेन से कारागार मुरादाबाद ले जाए जा रहे थे, उसमें से एक अभियुक्त हरपाल सिंह, दोनों अभियुक्त पूछ कर भाग गए, उसमें से राकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हरपाल सिंह 2006 से लगातार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और झारखंड में छुपकर रह रहे थे। इनके ऊपर 1,00,000 का पुरस्कार घोषित था। हमारी श्री पंकज पंत निरीक्षक और सतीश कुमार तथा इनकी टीम द्वारा इनको आज 9:40 पर अमरोहा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी से हमारे जो वांछित अभियुक्त चल रहा था हरपाल सिंह, इसमें कमी आई और इनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा था अंदर अंदर खाने अपराध कराने का, उस पर पूरी रोक लगेगी और हरपाल सिंह जो है जेल भेज दिए जाएंगे। सर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर? इनके ऊपर कुल अभियोग दर्ज हैं 11 अभियोग इनके ऊपर दर्ज है। पूर्व से NSA कार्रवाई इनके ऊपर चल रही थी, तभी से फरार थे। सर किस तरीके से अपने कारनामे को अंजाम दे रहे थे? ये छुप करके अपने जिनका जो गिरोह थे और इनके जो सदस्य थे उनको ये मोटिवेट करते थे कि आप लोग ट्रेनों पर इस तरह का अपराध करिए और इनको हो सकता है उसमें पैसा मिलता हो इनको, इसीलिए इतने दिन तक छुप करके रहते रहे और इनका आर्थिक लाभ होता रहा। हमारी टीम द्वारा जो है जो बड़ा सराहनीय कार्य किया गया इनको पकड़ करके, जो इनका नाम जो है ये अपना नाम बदल कर रह रहे थे। इनका असली नाम था हरपाल सिंह, इन्होंने अपना नाम हरिमंडल कर दिया, हरिमंडल पुत्र रोशन सैनी उर्फ मोहन सिंह उर्फ मोहन मंडल करीब छुप करके रह रहे थे। उनकी गिरफ्तारी से रेलवे के अपराधों में काफी रोक है। कहाँ कहाँ आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था? उत्तर प्रदेश के अलावा? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और झारखंड, इन प्रांतों में ये अपराध। अच्छा, 2006 को ये फरार हुआ था, अब 2018, इस दौरान सर कहाँ कहाँ रहा और क्या आपराधिक वारदातों को तब भी अंजाम देता था फरारी के दौरान? इस दौरान ये बिहार रहा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, झारखंड छुप करके रहा। इसका परिवार से संबंध भी कट गया था। ये जो है अपना नाम बदल कर कभी अमरोहा रह रहा था, कभी गजरौला रह रहा था, कभी हापुड़ चला जाता था। तो फरारी के दौरान आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था? नहीं, जरूर देता रहा होगा, उसमें पकड़ नहीं आया। आज अमरोहा स्टेशन पर 9:40 बार। अच्छा सर, जो इस पे आपने मुकदमे बताए वो अकेले मुरादाबाद मंडल में है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बाकी राज्य जो आप बता रहे हैं, क्या वहाँ कोई संपर्क आपने किया? जहाँ हम संपर्क कर रहे हैं उसके अन्य प्रांतों के जो अभियोग हैं उनको भी हम कनेक्ट करेंगे और उनको जोड़ करके इसको। तो क्या लगता है कि बाकी प्रदेशों में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे? निश्चित दर्ज होंगे,
योजना अपराध के अपराध जगत में जो आदमी रहेगा वो अपराध नहीं छोड़ सकता है, स्थानीय स्तर के अलावा बाहरी जगह पर भी अपराध करेगा, उनको भी हम आपके द्वारा मुरादाबाद जो टीम है उसको भी इनामी घोषणा की। हाँ, इसके द्वारा 1,00,000 इनाम घोषणा हुई, जैसे पुरस्कार घोषित था, इसके अतिरिक्त उसको और पुरस्कार दिए जाए इस टीम को।